सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसका नाम है सोडियम यानी NaTeCl। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका नाम है शैनन यी, वो यूएसए के एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने जॉर्जिया टेक ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और प्रेजेंट टाइम वुड्रोफ स्कूल ऑफ साइंसेज में प्रोफेसर है। तो ये जो रिसर्च है उन्होंने की है। तो सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में दो चीजों का मेन रोल होता है। पहली चीज होनी चाहिए सॉल्ट, दूसरी चीज सनलाइट से मिलने वाली थर्मल एनर्जी। इन दोनों का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है सॉल्ट से। सो इस टेक्नोलॉजी में एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के दोनों साइड पे एक सोडियम रिडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है जिसपे थर्मल इफेक्ट भी पड़ता है। तो सोडियम रिडॉक्स की रिएक्शन और थर्मल एनर्जी की रिएक्शन, दोनों की रिएक्शन साथ होके एक अलग डिफरेंट रिएक्शन क्रिएट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और चार्ज कलेक्ट हो जाता है। फिर इस चार्ज को इलेक्ट्रोलाइट के मीडियम से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं NaTeCl यानी कि सोडियम थर्मो इलेक्ट्रो केमिकल कन्वर्टर। इस पूरे प्रोसेस को यही बोलते हैं जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो इस टेक्निक का यूज करके सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है और इस वीडियो से रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग लिख रखा है, उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई नया अपडेट आता तो मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।